हाँ बच्चों, अगला आइए बढ़ाते हैं। देखो एग्जांपल आपका अगला है कॉमन रूट का, x square plus ax plus 12 बराबर 0, x square plus bx plus 15 बराबर 0 and x square plus a plus b into x plus 36 बराबर 0 have a common positive root। आपको बेटा a और b का मान निकालना है और वो जो common root है वो निकालना है। As I told you बेटा common root की एक condition है, आप common root को alpha मान लें और alpha यहाँ 3 और 3 और put कर दें और कोई condition derive करें, उससे आपका answer आ जाएगा। चलो पहले हम equation लिखते हैं, x square plus ax plus 12 equals 0 का, x square plus bx plus, let me check, कितना है 15, ये बन रहा है बराबर 0, और एक और है x square plus a plus bx plus 36 बराबर 0। मान लेते हैं अपना जो कॉमन रूट है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, मान लेते हैं अल्फा कॉमन रूट है, तो अल्फा यहां भी पुट करेंगे हम, यहां का और यहां पुट करेंगे, तो पहली इक्वेशन आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 बराबर 0, दूसरी आएगी था अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 बराबर 0, अगली आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू अल्फा प्लस 36 बराबर 0। अब एक काम करते हैं, इसका आंसर नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, जैसे कि हमें दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को बेटा ऐड करके इसमें से लेस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट जो है एक अल्फा बटा बी अल्फा इससे कट जाएगा। चलो एक काम करते हैं, तो हम थर्ड में से सेकंड और वन दोनों लेस कर लेते हैं, ठीक है। अगर बेटा लेस करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू है बेटा, अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर आएगा और यहां 36 माइनस 27 प्लस का 9 आएगा बराबर 0 का, अल्फा स्क्वायर वहां चला गया, ये आपका बेटा 9 आ गया, तो अल्फा का मान प्लस माइनस 3 आ गया। सवाल ने कहा है कॉमन पॉजिटिव रूट है तो बेटा अल्फा का मान प्लस का 3 आएगा, अब अल्फा का मान प्लस वाला 3 यहां रखेंगे तो बेटा a का मान निकल आएगा, यहां रखोगे तो b का मान निकल आएगा, इस प्रकार आपका कॉमन रूट भी आ गया, a भी आ गया और b भी आ गया। लिखो इसको, माइनस का 2 अल्फा बचेगा, 4 बटा अल्फा जो है प्लस
प्लस का और आपका ये 4a प्लस का और आपका 3a माइनस का आएगा, तो ये आपका जो है प्लस का a आ जाएगा। आप 2 अल्फा वहां ले जाओ, 2 अल्फा इज इक्वल टू a, तो अल्फा का मान आएगा a by 2। आप एक काम करें, ये अल्फा का मान यहां रख दें तो आपकी सारी इक्वेशन a में आ जाएगी बेटा। आप रिजॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, आपके a के दो मान आ जाएंगे, वो आप निकाल लेंगे। Yeah, I got minus 3 0
कितना इलेक्ट्रोडेबल है? तो ये जो आपका है अल्फा का मान आ गया। अब एक काम करें बेटा, अब आप अल्फा का मान इसमें रख लें, जो डब के फॉर्म में आएगा तो आपकी पूरी इक्वेशन के में आ जाएगी और आप के का मान निकाल लेंगे। काम खत्म। ठीक है, चलो डाल देते हैं। A value of b for which the equations have one root in common है, तो एक काम करते हैं बेटा, वही अपनी कंडीशन अल्फा मान लेते हैं कि इन दोनों में अल्फा कॉमन बड़ा होगा। चलो करो, देखो आपका माइनस का वन था, माइनस का बी आएगा, ये वहां चला गया बी माइनस वन, बी प्लस वन, तो आपका अल्फा का मान आएगा बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन। बेटा ये अल्फा का मान यहाँ या फिर यहाँ का जहां आपका दिल करे पुट कर देना। सॉल्व करोगे तो आपके बी के तीन आंसर आएंगे, जीरो प्लस रूट थ्री आल्टा और माइनस आटा, और हमारे ऑप्शन के मुताबिक माइनस रूट थ्री आटा मैच कर रहा था। इसे आप जो है बाकी पार्ट सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू यहाँ पर किसी एक में पुट करके लिखो इसको। If the equation x square plus ax plus b बराबर zero बटा x square plus ax plus b बराबर zero, a not equal to b, ऐसा हमने सवाल कर रखा है पहले, हम देखो जरा, ये बटा हमने कर रखा है और इसका आंसर माइनस वन आया था, ये रहा, यहाँ पर a नहीं था, मैंने आपसे कहा भी बटा कहा भी एक्चुअली a नहीं था, यहाँ पर x square plus bx plus c था, x square plus ax plus b, b बराबर c के नहीं था, और इस सवाल को करते हुए b plus c b प्लस सी माइनस वन आया था, ऐसे ही बेटा इस सवाल में आपका a प्लस बी कितना आएगा, माइनस वन आएगा। चेक कर लेना, मैंने सवाल आपको करा रखा है, सवाल का हमने कर रखा है, चेक कर लेना। ठीक है, चलो ये लो खत्म, आगे बढ़ते हैं। लिखो टॉपिक, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y is equal to ax square plus bx plus c, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर अटेन होती है, डिपेंड करता है कि बेटा आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या है, लेस देन या मोर देन। अगर आपके इस क्वाड्रेटिक में आपका ये लीडिंग कोएफिशिएंट बेटा लेस देन जीरो है तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी, x के इस पॉइंट पर y मैक्सिमम वैल्यू देगा बेटा, और अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो x के इस पॉइंट पर आपका y मिनिमम वैल्यू देगा। अभी समझाता हूँ, देखो और ये और पढ़ लो बेटा कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का हम जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी निकाल लेते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है जी, चलो आपको ये बात समझाता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। को ऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू है बेटा, और वाई को ऑर्डिनेट माइनस बी बाई
4A होता है। अब क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस का है तो यहां का आपकी यहां से वैल्यू स्टार्ट होती है तो यहां पर मिनिमम वैल्यू आएगी। और क्योंकि बेटा अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो बेटा आपका पैराबोला ऐसा बनेगा, तो आपकी बेटा इसके अलावा तो बाकी सारी वैल्यू वाई की छोटी होंगी तो यहां बेटा हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और बेटा दोनों ही सूरतों में आपका जो पॉइंट होगा वो आपका सेम होगा, -3/2a और बेटा -3/4a, यानी कि हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। x के इस वैल्यू पर y का ये मिनिमम मान होता है बेटा, और x की इस वैल्यू पर इस वाले केस में y का ये मैक्सिमम मान होता है। एक और बात आपको समझानी है बेटा, आपने डेरिवेटिव थोड़ा सा पढ़ रखा है। देखो डेरिवेटिव अपने आप में स्लोप होता है, और जब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जब एक कर्व को पैराबोला कर्व को टच करने वाली ये टेंजेंट लाइन जब एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल होती है, तब इस समय इस कर्व की स्लोप जो होती है बेटा वो क्या होती है, जीरो होती है। फिर से बोल रहा हूं, फिर समझो गौर से, इस पैराबोला पर इस पॉइंट पर ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो इस पैराबोला का डेरिवेटिव यानी कि टेंजेंट की स्लोप, पैराबोला के डेरिवेटिव को इस पॉइंट पर जब उसकी वैल्यू निकलती है तो उसे हम टेंजेंट की स्लोप बोलते हैं। पैराबोला का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर जब निकाला जाता है तो उसे हम बेटा टेंजेंट की स्लोप बोलते हैं। और क्योंकि बेटा वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस समय वो स्लोप जीरो होती है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बेटा अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, टू ए एक्स प्लस बी आएगा बेटा, सी का कॉन्स्टेंट से जीरो हो जाएगा। और ये इस समय स्लोप है किसकी, उस टेंजेंट की जो इस पैराबोला कर्व पे ड्रॉ की गई है, ठीक है। और अगर बेटा इस स्लोप को एज पर कॉन्सेप्ट जीरो के इक्वल रख दिया जाए तो बेटा एक्स का मान क्या आएगा, -b/2a। समझे कुछ, मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर हमें वो x पॉइंट ना पता हो तो वो हम x पॉइंट इस तरह से निकाल भी सकते हैं, समझ रहे। इस पॉइंट पर हमारे पैराबोला की बेटा वैल्यू मिनिमम होती है और यहाँ मैक्सिमम का, और दोनों ही केसेस में आपका जो वो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो इस तरह पैराबोला कर्व को डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाली जाएगी। आपको ये बात पूरी तरह समझ आएगी 12th क्लास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, हाल फिलहाल आप ये बात समझ लें, ठीक है। लिखो इसको, ये पॉइंट पैराबोला कर्व को डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करके निकाला जा सकता है, और ये x की वैल्यू रखते ही जो कि हम ऐसे निकालेंगे, ये बेटा x की वैल्यू रखते ही इस वाले केस में मिनिमम बेटा और इस वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ये देखो वो आपने बना लिया होगा, ठीक है। यही वहां लिखा था कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी अकॉर्डिंगली कि आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव या पॉजिटिव है, और आप इससे भी अपने वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। चलो हम पढ़ते हैं, ये सवाल है, ध्यान से पढ़ना। इस px पॉलीनोमियल, इस px क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये है इस तरह से का, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 6 है, इसकी उटा मिनिमम वैल्यू जो है वो 6 है, और वो कब है, जब x बराबर 2
दो है, समझो बात को। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एट, ये है बेटा आपका पॉलीनोमियल। अगर इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू रखी है बेटा, इट मींस कि ये एक ऐसा रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि अगर बेटा इस पॉइंट पर आपको मिनिमम दे रखा है तो बेटा ये आपका एक पॉजिटिव रहा होगा, तो नो डाउट आपका पैराबोला कुछ इस तरह का बना होगा। अच्छा जी चलो, तो अगर x बराबर 2 पर y की वैल्यू 6 है, यानी कि इस समय x बराबर 2 पर इस पैराबोला कर्व का डेरिवेटिव क्या रहा होगा बेटा, रहा होगा 0। चलो इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसे आप y मान लो, बेटा क्या आएगा dy by dx, 2ax प्लस b। हमने अभी समझा था कि जहां मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस समय का हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अच्छा वही बात यहां पर है, देखो कि बेटा डेरिवेटिव किया और वो कब जीरो है, जब x का मान हमने इस पैराबोला का कर्व को डिफरेंशिएट किया, और वो कब जीरो है, जब x का मान 2 है। तो 2a बेटा x का मान कितना 2 प्लस b, और बेटा इस समय क्या है 0 है, तो इक्वेशन क्या आ गई 4a प्लस b बराबर 0। बेटा एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि हमें ये भी दे रखा है कि जब x का मान रखा गया तो बेटा इसका मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो कितना आएगा 2 4a 4a प्लस 2b प्लस 8 बेटा इक्वल 6, कितना आएगा 4a प्लस 2b बटा माइनस का 2, 2 कॉमन निकाल लो बेटा कितना आएगा। या फिर एक काम करो, सिंपली दोनों को सॉल्व कर लो, काम खत्म, आपका a और b निकल आएगा। लिखें लीडिंग कोएफिशिएंट
कोफिशिएंट का नेगेटिव है तो पैराबोला उल्टा बनेगा। आपको एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं करना, आपको निकालनी है उल्टा मैक्सिमम वैल्यू। सेम फंडा है, इसे डिफरेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो, एक्स का जो मान आया वो एक्स उठाकर यहीं पर रख दो, आपका बेटा वाई का जो मान आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। कर लोगे, कर लोगे, आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल देख लो, मेरा फिर से सवाल देख लो, 7 + 5x - 2x2। चलो x 2 हो या उससे बड़ा हो, तो x 2 और उससे बड़े के लिए आपको इस एक्सप्रेशन की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। log base 10 x3 minus 4x square plus x plus 26 minus log base 10 x plus 2 log x minus log y। Now, जैसा कि आपको मैंने रूल बता रखा है log का, log x minus log y is equal to log x upon y। एक बार सवाल लिख लेते हैं, ठीक है, चलो log base 10 x cube minus 4x square plus x plus 26 आपका मिनिमम मान होगा। देखो